आज के इस मंगलमय प्रांगण में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि हमारे सर्व सम्मानी परम आदरणीय परम श्रद्धेय इस व्यास मंच को गरमा देने वाले और विस्तारित करने वाले गली गली इसी आवाज को पहुंचाने वाले एक कल्प वृक्ष के रूप में बैठे हुए हैं माननीय स्वामी आधार चेतन जी ने बहुत कुछ शिक्षा को महत्व दिया है और जिनके पढ़ाए हुए एक से एक अफसर बन गए, कोई कुछ करते हैं, कोई कहेंगे कर्मों से बधे हुए हैं। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि शिक्षा हमारे इस यादव समाज में सबसे पीछे बैठने के लिए समय दिया जाता था, लेकिन आज स्वामी जी की ये देन ये मेहनत है, यादव समाज उस मेहनत को मेहनत नहीं समझ रहा है, भक्तागण उस मेहनत को मेहनत नहीं समझ रहे, केवल छोटे और बड़े के तू छोटा शीश गिरा कर नहीं, इस तरह तो शीश गिरा कर हो गया। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, और सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, मन में गहराई लाओ। दो बातें मिली, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, ये हमारी धरती माँ जिस पर कितना भार है, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना भी हो सर पर भार, और नव कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा। राष्ट्रपति कहूंगा एक शास्त्री गणों कवि गणों से सभी भाई अपने एक हैं, बहन संगीता भी अभी यहीं बैठी थी जिनका मुझे साहित्य बहुत अच्छा लगता है। एक बार एक किलो भरी थी तो मैंने उनका नाम अग्रसर किया था, उनके आधार पर चलो तो कहीं कथा में बाधा नहीं है कि बिहरो बिहारी की बहोर बाट का मिचाए, सूर की कुटी में अड़ आसन लगाइए, देव की धरी में दिव्य दिव्यता निहारिए, भूषण की सेना के सिपाही बन जाइए। अब केशव की कुंज में किलोर केर कीजिए, या तुलसी के मानस में डुबकी लगाइए, अन्य भाषा भाषियों मिलेगा मनमाना सुख, और स्वामी जी के हिडोले में जरा तो झूल जाइए।